हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SBI की एक बहुत ही बढ़िया एपिंग स्कीम, जो स्कीम का नाम है अमृत कलश योजना। ये योजना की अच्छी बात ऐसी है कि इसमें आप ओनली 400 दिन की FD पे पा सकते हो 8% हिसाब से इंटरेस्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI की सबसे अधिक ब्याज देने वाली योजना, दैट इज अमृत कलश योजना। इस योजना की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2023 थी। इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। तो ये योजना की बहुत ही बड़ी विशेषता है, ये योजना के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि योजना के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट्स है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। इन क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो जानते हैं अमृत या कलश योजना के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जानेंगे कि SBI अमृत कलश योजना है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक बचत योजना है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ताकि लोग अपने भविष्य के लिए पैसा निवेश कर सके और अपनी बचत को बढ़ा सके। तो यहाँ से क्लियर कट आइडिया आ गया है कि ये तो एक बचत योजना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे शुरू किया है। एंड इस योजना के तहत जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी व्यक्ति 400 दिन के लिए पैसा जमा करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो अभी जानते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना है। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ₹1000 है एंड मैक्सिमम यहाँ पे 2 करोड़ यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है। तो अभी आइए चलो जानते हैं बढ़िया स्कीम के बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स। तो इस योजना की सबसे खास बात यह है कि कम समय में आपको सबसे अधिक ब्याज दर प्रदान किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टेड बढ़िया मिलने वाला है आपको। और आप इस योजना में जो भी आपने पैसा जमा किया है उस पे जो ब्याज आपको मिलने वाला है, उसको आप मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली के रूप में भी ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही, रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। जो नॉर्मल कस्टमर है उनको मिल रहा है 7.1%, सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 7.6%, SBI एम्प्लॉई को मिल रहा है 8.1% एंड SBI पेंशनर को मिल रहा है 8.6%। तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, मतलब रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत ही बढ़िया है, बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी आके जान ही लेते हैं कि इस योजना में कौन कौन पैसा जमा कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस योजना के तहत अगर खाता खुलवाने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, मतलब इंडियन रेसिडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम 19 ईयर यहाँ पे नागरिक की एज तय करी गई है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल ID, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे हम आधार कार्ड, वो सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट्स है। आप ये अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। तो अमृत कलश योजना के इतने सारे बेनिफिट्स, रेट ऑफ रिटर्न इतना अच्छा है। तो अभी हम लाइव एग्जांपल के साथ पूरा ही देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख निवेश करते हो तो क्या इंटरेस्ट रेट ऑफ मिलेगा, देन अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपको रिटर्न मिलेगा एंड 10 लाख के हिसाब से आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जांपल लिया है ₹1 लाख का। आपने 1 लाख का निवेश किया है फॉर 400 दिन के लिए, यहाँ पे आपने निवेश किया है। तो जैसे हमने जो रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किए उनके हिसाब से रिस्पेक्टिव पर्सन को यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इतने इतने मिल सकती है। आप वीडियो पोज करके पूरा ही रीड कर सकते हो। देन यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है फॉर 400 दिन के लिए, देन आपकी यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इतनी इतनी मिल सकती है। देन ये भी आप पूरा ही रीड कर सकते हो। देन यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ₹10 लाख का, अगर आपने 10 लाख
इन्वेस्टमेंट किया है फॉर 400 डेज के लिए, देन यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी आपको इतनी मिल सकती है। तो पूरा एग्जांपल हमने डिस्कस किया, उसको अभी हम लाइव प्रैक्टिकल कैलकुलेटर के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ सके। आइए चलो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो SBI का कैलकुलेटर से आप पूरा ही यहाँ पे क्लियर पिक्चर लगा सकते हो कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, देन इंटरेस्ट वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे आप जितनी भी अमाउंट का निवेश करना चाहते हो उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। हमारे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया है और 400 दिन के लिए अप्लाई किया है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट से सपोज कि 7.1% यानी कि नॉर्मल सिटीजन के लिए यहाँ पे सेट कर रही हूँ। देन यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट 1,08,017 रुपीज का यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड हमारा सेकेंड एग्जाम्पल से सपोज कि आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, देन आपने वो इन्वेस्टमेंट 8.6% यानी कि आप SBI पेंशनर अगर हो देन आपने 8.6% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 5,48,866 का यहाँ पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। वैसे ही आपकी जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है एंड आप जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना चाहते हो उनके हिसाब से यहाँ पे आप अमाउंट डाल के एंड परसेंटेज यहाँ पे एन्यूअल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेट करके पूरा ही आपको यहाँ पे आइडिया आ सकता है। एंड ये जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस है, वो भी आपको एक मार्क करना है। एंड एक लास्ट एग्जांपल ये भी देख लेते हैं कि अगर 10 लाख के हिसाब से इन्वेस्ट किया है एंड सीनियर सिटीजन ने किया है यानी कि 7.6% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे 10,86,005 का अमाउंट यहाँ पे मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है अमृत कलश योजना, जिसका आप मैक्सिमम तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो क्योंकि उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 31 दिसंबर 2023। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, आप आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये अपडेटेड नॉलेज के साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।